हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। और गाइस, मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर। गाइस, इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बस इट के न्यू अपडेट B4.1 के लेटेस्ट वर्जन का जो है EPK प्लस OBB लेकर आ चुका हूँ। गाइस, मैं इस वाली वीडियो में आप लोगों को उसका जो है फुल रिव्यू करने वाला हूँ, और साथ ही साथ वीडियो के एंड में आप लोगों की इसकी फुल डाउनलोडिंग प्रोसेस एंड फाइल सेटअप प्रोसेस आप लोगों को डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं, जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको सभी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और गाइस, आप लोगों ने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से आकर फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि वहाँ पर भी मैं आप लोगों के लिए न्यू न्यू अपडेट्स लाते रहता हूँ, और किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर मुझसे मैसेज करके भी पूछ सकता है। और गाइस, मैं आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि गाइस, इस वाली वीडियो में जो है आप लोगों को फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए पासवर्ड की जो है ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए गाइस आप लोगों को वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक ध्यान से ज़रूर देखना है, और किसी भी पार्ट को मिस नहीं करना है, और पासवर्ड को तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के, और आप लोग वीडियो को इन्जॉय करिए। तो चलिए गाइस, हम लोग सबसे पहले इस वाले जो EPK की फाइल और OBB की फाइल है उसे डाउनलोड करने की बात कर लेते हैं। तो गाइस, मैं सबसे पहले बता दूं कि आप लोगों के पास जो प्ले स्टोर वाला गेम है गाइस, आप लोगों को पहले उसे डिलीट कर देना है, और उसके बाद ही आप लोगों को है जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उसे फॉलो करना है। तो गाइस, आप लोगों को जो है गेम को डिलीट करने के बाद जो है सिंपली सा कुछ नहीं करना है, आप लोगों को जो है मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, जो आप लोग जो है वीडियो जो वॉच कर रहे हैं तो उसी के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद गाइस, आप लोगों को जो है EPK प्लस OBB की जो है डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में ही लिंक देखने के मिलने के बाद गाइस, आप लोगों को जो है लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद गाइस, आप लोगों को वह गूगल पर रिडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आप लोगों को डुअल टैप पर क्लिक कर देना है। डुअल टैप पर क्लिक करने के बाद गाइस, आप लोगों के सामने प्लीज़ वेट लिख कर आएगा। तो प्लीज़ वेट लिख कर आने के बाद गाइस, आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद गाइस, आप लोगों को जो है नीचे की साइड स्क्रॉल डाउन करेगा। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं। वेट करने के बाद हम जो है नीचे की साइड स्क्रॉल डाउन आ जाते हैं। फिर यहाँ पर आपको आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करना है, फिर थोड़ा सा वेट कर लेना। तो अभी हम यहाँ पर भी वेट कर लेते हैं। और गाइस, यहाँ पर वेट करने के बाद हम दिखाते हैं कि आप लोगों को आगे क्या करना है। तो गाइस, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद गाइस, आप लोगों के सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। और गाइस, यहाँ पर नया पेज ओपन होने के बाद गाइस, आप लोगों को यह बोलेगा कि आप लोगों को यहाँ पर जो है 20 सेकंड के लिए वेट करना है, और वेट करने के बाद जो है आगे का प्रोसेस वो आप लोगों को खुद ही मतलब बता देता है कि कहाँ पर क्लिक करना है। तो अभी हमारे यहाँ पर 9 सेकंड रह चुके हैं, तो अभी हम 9 सेकंड वेट कर लेते हैं, और उसके बाद आगे आप लोगों को बताते हैं कि आपको क्या करना है। तो गाइस, यहाँ पर हमारे जो सेकंड है वो यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं। फिनिश होने के बाद गाइस, आप लोगों को जो है नीचे की साइड स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करना है, फिर सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद गाइस, आपके सामने तीसरा पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपके सामने ऐड आएंगे, तो आपको ऐड को कट कर देना है। एड्स को कट करने के बाद गाइस, आप लोगों को यहाँ पर जो है 7 सेकंड वेट करना है। फिर यहाँ पर प्लीज़ वेट लिख कर आ रहा है ग्रीन कलर से। तो गाइस, यहाँ पर जो है गेट लिंक क्लिक करा जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं गेट लिंक क्लिक करा चुका है। तो गाइस, आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस, आप लोगों के सामने जो है शेयर मोड की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो गाइस, आपको यहाँ पर क्रिएट डाउनलोड लिंक पर क्लिक करना है। क्रिएट डाउनलोड लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको गाइस जो है यहाँ पर 10 सेकंड के लिए वेट करना है। तो भी हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद गाइस, आप लोगों को जो है यहाँ पर डाउनलोड लिंक इज रेडी पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइस, आपको स्टार्ट डाउनलोड पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर जैसे ही आप लोग स्टार्ट डाउनलोड पर 2 बार क्लिक करेंगे तो गाइस, जो आपकी फाइल है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस, इसी तरीके से जो है आप लोगों को EPK प्लस OBB वाली फाइल को जो है डाउनलोड कर लेना है। तो जो है हमारी यहाँ पर फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइस, हम इसे पॉज कर देते हैं। तो गाइस, इसी तरीके से जो है आप लोगों को दोनों फाइल को डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस, आप लोगों को दोनों फाइल को डाउनलोड करने के बाद गाइस, आप लोगों को जो है जेट अचीवर एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेना है, जिसकी लिंक आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। तो गाइस, आप लोगों को जो है ऐप को डाउनलोड करने के बाद जो है अपने फ़ोन में जेट अचीवर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आगे आप लोगों को जो है डाउनलोड के फोल्डर के अंदर आना है। डाउनलोड के फोल्डर के अंदर आप लोगों ने जो दोनों फाइल डाउनलोड की है आपको वह दिख जाएगी। आपको EPK वाली फाइल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक्सट्रा पर क्लिक करना है। एक्सट्रा पर क्लिक करने के बाद वह आपसे पासवर्ड मांगेगा, जो इसी वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर आपको पासवर्ड फिल कर देना है। फिल करने के बाद जो है आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद जो है आपकी फाइल वो है एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको OBB वाली फाइल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद गाइस, आप लोगों को जो उसकी फाइल है OBB वाली वो भी आप लोगों की एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों को दोनों फाइल के लिए सेम पासवर्ड की ज़रूरत होगी, जो इसी वीडियो में आप लोगों को जो है देखने के लिए मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपकी दोनों फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं, और दोनों एक दो नए फोल्डर बन चुके हैं। तो आपको EPK वाले फोल्डर पर क्लिक करना है, जो अंदर सबसे ऊपर की ओर है,
उस पर क्लिक करने के बाद गाइस उसके अंदर आपको जो है एपीके देखने को मिलेगा। एपीके देखने के बाद गाइस आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आप लोगों को जो है इंस्टॉल पर क्लिक करना है। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ आपका जो ऐप है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको फिर से इंस्टॉल पर क्लिक करना है। तो गाइस जो हमारा ऐप है वो उसकी इंस्टॉलिंग हो रही है, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद आएंगे आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। तो हमें थोड़ा सा ऐप को जो है इंस्टॉल होने देते हैं। तो अभी हमारा थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे। और यहाँ पर हमारा ऐप जो है इंस्टॉल हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर हमारा जो फ़ोन है वो सिक्योरिटी स्कैन कर रहा है, इसे चेक कर रहा है क्योंकि कोई कमी ना हो। तो गाइस आप लोग जो बस देख रहे हैं बैकग्राउंड में जो चल रही है, गाइस आप लोग इस वाले बस मोड को और इसकी लाइब्रेरी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो गाइस आप लोग बस वाली वीडियो को जाकर बस को और लाइब्रेरी को दोनों डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी कुछ ही दिन पहले इसकी वीडियो आई थी। तो यहाँ पर अभी हमारा जो फ़ोन है इसे सिक्योरिटी स्कैन कर रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं और उसके बाद ही आगे आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आपको ओपन पर क्लिक कर देना है। ओपन पर क्लिक करने के बाद गाइस आपका जो गेम है वो यहाँ पर स्टार्ट होने लगेगा। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं और दिखाते हैं कि आपका जो गेम है वो स्टार्ट होएगा नहीं। तो गाइस यहाँ पर आपका माली उलिख कर आएगा, उसके बाद आपका जो गेम है वो यहाँ पर स्टार्ट नहीं होगा। तो गाइस आपको कुछ नहीं करना, सिंपली सा बैक आना है। बैक आने के बाद गाइस जो है आप लोगों को जेट एचरी एप्लीकेशन में वापस आ जाना है और उसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद गाइस आपको ओबीबी वाले फोल्डर पर क्लिक करना है जो नीचे की साइड है, उस पर क्लिक करने के बाद गाइस आप लोगों को उसके अंदर एक .com माली बजट मोड का फोल्डर देखने को मिलेगा। गाइस आपको उसके अंदर क्लिक करना है। यहाँ पर उसके अंदर क्लिक करने के बाद गाइस आपको उसके अंदर ओ बी भी देखने को मिलेगी, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कट करना है। कट करने के बाद बैक आना है। बैक आने के बाद आपको एंड्रॉयड पर क्लिक कर देना है। एंड्रॉयड पर क्लिक करने के बाद ओ बी बी पर क्लिक करना है। ओ बी बी पर क्लिक करने के बाद माली बजट मोड पर क्लिक करना है। उसके अंदर आपको यहाँ पर फाइल को जो है पेस्ट कर देना है। फाइल जैसे ही हम पेस्ट करेंगे तो गाइस ये हमारी ओ बी बी फाइल यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। तो गाइस यहाँ पर हमारा जो है फाइल डाउनलोड एंड फाइल सेटअप प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस सभी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद गाइस आप लोगों का एक जो है आखिरी प्रोसेस और बचता है। तो गाइस आप लोगों को जो है गेम को चेक कर लेना है। तो गाइस हम यहाँ पर अभी जो है गेम को ओपन करते हैं। गेम को ओपन करने के बाद गाइस आप लोगों को जो है इसका थोड़ा सा इंटरफेस दिखा देते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो हमारा गेम है अब ओपन होने लगा है। तो गाइस यहाँ पर हमारा गेम जो है ओपन हो चुका है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको परमिशन देनी है, तो हम यहाँ पर चूज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर यूज़ द बॉर्डर पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद गाइस जो है आपकी जो ऐप की है परमिशन देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो गेम है वो पूरी तरीके से रनिंग प्रोसेस पे आ चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर आपको आने वाली नहीं है। तो गाइस जो हमारी वीडियो है जो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो गाइस आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी थी और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलें। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से जल्दी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। Тогда эти пацаны посчитать потери, Сумы на ули погибать на сцене. Снова